माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर फिजिक्स क्लास। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जो मॉड्यूल 2 है, चैप्टर 2, उसकी दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की पहला टॉपिक कंटिन्यूटी इक्वेशंस फॉर चार्ज डेंसिटी को डिस्कस कर लिया था, फाइनल फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था। आज आगे वाले टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको हम पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट नेम, जैसे आप जानते हैं, हम इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसकी कोड है KS101T। जो मॉड्यूल नेम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। माय नेम इज डॉक्टर राकेशमन पुजारी। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, ABSIT, गाजियाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेस। जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। कोर्स ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेट एंड सॉल्व द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है और इसकी क्या जरूरत है, इसको क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसको जानने के लिए हमें एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन, जिसको आप क्लास 12 में पढ़ रखे हैं, उसके डिफरेंशियल फॉर्म को पहले हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में एच डॉट डीएल इज इक्वल टू आई होता है। और एच क्या है आप जानते हैं, एच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एल, लाइन इंटीग्रल विच इज इक्वल टू करंट। ये उसी इक्वेशन से आता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये इक्वेशन आप पहचानते हैं। और बी और एच के बीच में जो संबंध, ये भी आप जानते हैं, एच इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो इसी से एच डॉट डी एल हमने लिख लिया। आप इस इक्वेशंस को जानते हैं, उससे ये हमने डिराइव कर लिया। आप जानते हैं एच डॉट डी एल जो लाइन इंटीग्रल है, और करंट को हम जे डॉट डी एस भी लिख सकते हैं, ये पिछले टॉपिक में हमने भी पढ़ा था। जो आई करंट इज नथिंग बट जे डॉट डी एस, क्योंकि आई बाय डी एस इज इक्वल टू जे होता है, ये भी आप जानते हैं। तो आप इक्वेशन वन, इसको हम ले लेते हैं, इसको इक्वेशन टू ले लेंगे। अब हमारे पास एच डॉट डी एल की दो फॉर्मूला है, एक आई है, दूसरा जे डॉट डी एस।
तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, एक तरफ लाइन इंटीग्रल है, एक तरफ सरफेस इंटीग्रल है, तो दोनों की इंटीग्रांड को तो हम इक्वल नहीं कर सकते जब तक दोनों की जो इंटीग्रेशन से आइदर सरफेस ना हो जाए या लाइन ना हो जाए। तो इसी तरह से इसमें भी एक मैथमेटिक्स के ऑपरेटर हम यूज करेंगे जिसको हम कहेंगे स्टोक्स लॉ, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम हमेशा लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है। जैसे कोई भी वेक्टर हुआ, उसकी लाइन इंटीग्रल है तो उसकी सरफेस इंटीग्रल हम बना सकते हैं, बशर्ते कि हम उसकी कर्ल लेंगे। ये एक अनदर वेक्टर ऑपरेटर है, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर ए इज विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ द सेम वेक्टर। तो आप लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, ये है स्टोक्स थ्योरम। किसी भी वेक्टर, यहाँ वेक्टर कौन सा है, ए है, तो इसको कहाँ यूज करेंगे हम, इस जगह पे यूज करेंगे। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम एच डॉट डीएल, तो हमारे एच डॉट डीएल बन जाएगा डेल क्रस एच डीएस विच इज इक्वल टू जे डॉट डीएस। इक्वेशन टू, इन इक्वेशन टू, तो हमारे पास अब जो फॉर्मूला आया, इसमें दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल है, तो हम डेल क्रस एच इज इक्वल टू जे, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो ये है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे विच इज दी एम्पियर्स लॉ। तो इस इक्वेशन में कुछ कमियां हैं, इसमें कुछ खामियां हैं, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उस क्या ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स ये है कि सपोज हम डाइवर्जेंस, हमारे पास जो इक्वेशन है डेल क्रस एच इज इक्वल टू जे है, डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रस एच इज इक्वल टू, हमने क्या किया, डाइवर्जेंस दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे हो गया इक्वेशन नंबर 3 में। लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज 0, तो ये पार्ट इज 0, सो डाइवर्जेंस ऑफ जे इज 0। इसका मतलब है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशंस हमारे पास था, क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0 था। इसमें डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि चार्ज डेंसिटी स्टैटिक दिखा रहा है, ये आपकी ड्रॉबैक्स है, इसको आपको समझना है। क्या कि हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि डेल रो बाय डेल टी 0 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो एम्पियर्स लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म कंप्लीट नहीं है, कुछ कमियां हैं, क्योंकि ये तो 0 हो रहा है चार्ज डेंसिटी। तो इसलिए मैक्सवेल ने जब ये इक्वेशंस को समझा, तो उस टाइम में उनको ये पता चला कि इस इक्वेशन में कुछ कमी है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, तो उसको उन्होंने मॉडिफिकेशन किया। और क्या मॉडिफिकेशंस किया,
कि उन्होंने एक दूसरा पार्ट उसमें ऐड कर दिया जिसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आगे इसको हम डिराइव करते हैं। डिराइव करने के लिए हमें सेम वही एम्पियर्स लॉ से शुरू करना होगा। तो एम्पियर ने क्या किया, डेल क्रॉस एच, जहाँ जे था उन्होंने एक गैस करके एक एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ दिया जे डी, और उन्होंने इस पार्ट की नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। जे को उन्होंने कंटिन्यूअस करंट लिखा, जे डी को डिस्प्लेसमेंट करंट। जब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस ऐसे डिवाइस में जे काम करता है और कैपेसिटेंस जो डिस्कंटिन्यूअस करंट फ्लो को शो करता है उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट काम करता है, ये एम्पियर का मानना था। तो उन्होंने गैस करके जे के साथ और एक क्वांटिटी जोड़ दिया जे डी, और उनका ये मानना था, मैक्सवेल का ये मानना था कि जब जे होगा जे डी एबसेंट होगा, जब जे डी होगा तो जे एबसेंट होगा, तो दोनों में से कोई एक काम करेगा हमेशा, दूसरा पार्ट उसमें नलीफाई हो जाएगा। लेकिन इक्वेशंस कंप्लीट तब होगा जब दोनों पार्ट रहेगा, भले ही वो एप्लीकेबल जब हो तब एक ही पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि करंट डेंसिटी जीरो होगा ही या नहीं। तो जे प्लस जे डी, तो अब उन्होंने क्या किया, फिर वही फॉर्मूला यूज किया, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वेक्टर कर दिया, डाइवर्जेंस ऑफ जे आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ जे डी आ गया। तो ये पार्ट जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे डी। इसका मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ जे डी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे। इसका मतलब है कि सपोज जे डी डाइवर्जेंस ऑफ जे डी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू डाइवर्जेंस ऑफ जे। अब इसको कंटिन्यूटी इक्वेशंस में हम यूज करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ जे विच इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी होता है। लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ जे माइनस डेल रो बाय डेल टी, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ जे डी हुआ ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी इज नॉट जीरो, बट इट इज हैविंग सम फाइनाइट वैल्यू, कुछ वैल्यू है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एम्पियर्स लॉ की जो मॉडिफिकेशंस उन्होंने कंसिडर किया, ये एक्चुअल वैल्यू ठीक है और इसकी मॉडिफिकेशंस ज़रूरत है। अब उन्होंने मॉडिफिकेशंस किया, तो मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ की जब मॉडिफिकेशन किया तब उन्होंने गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म को यूज किया। गॉस लॉ क्या कहता है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, डी क्या है, डी इज एप्सिलॉन नॉट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो। और हमारे पास जो ऊपर जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस में आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे डी इज इक्वल टू डेल रो बाय डेल टी। तो इसको हम इक्वेशन फोर का नाम देते हैं, तो इसको इक्वेशन फाइव यूज करते हैं। यूजिंग फाइव इन फोर, डाइवर्जेंस ऑफ जे डी इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी
डाइवर्जेंस ऑफ डी, रो के जगह पर हमने डाइवर्जेंस ऑफ डी यूज कर लिया। अब ऑपरेटर को इंटरचेंज कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डेल डी बाय डेल टी। अब हमारे पास डाइवर्जेंस दोनों तरफ है, जे डी की वैल्यू आ गया डेल डी बाय डेल टी। तो जो तुक्के में उन्होंने जो टर्म लिया था डिस्प्लेसमेंट करंट, जे डी डिस्प्लेसमेंट करंट, उसकी वैल्यू डिराइव कर लिया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ हो गया डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस जे डी विच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। तो पुराने एम्पियर्स लॉ में ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको हम मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कहेंगे। तो आज हमने क्लास में जो टॉपिक पढ़ा वो है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको हमने डिराइव किया, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। और फिर एट द एंड हमने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया और उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ गया जो है डिस्प्लेसमेंट करंट पार्ट। अब एम्पियर्स लॉ 100% फुल प्रूफ है और ये चारों मैक्सवेल्स इक्वेशंस की एक इम्पोर्टेंट इक्वेशंस कहलाता है। तो अगले क्लास में हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में जानेंगे और आज जो टॉपिक पढ़ा है इसको आप नोट्स बना लीजिए और प्रॉपर तरीके से इसको रिवाइज करिए और बार बार, क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशंस टॉपिक है, बार बार इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा इसको समझने के लिए। और ख़ास करके स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वेक्टर आइडेंटिटी, ये सब आपको जानना है। डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ये सब भी आपको जानना है। तो आज हमने मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ा, अगले क्लास में हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।